हो नहीं सकता। और मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, क्योंकि रिकॉर्ड पर कहा गया है कि 371 भी ये सरकार हटा लेगी तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का क्या होगा? सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की कोई मंशा 371 को हटाने की नहीं है। वो आश्वस्त रहे, किसी से गुमराह होने की जरूरत नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक कहा कि 300 जो रास्ता हमने लिया है वो ठीक नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसी रास्ते पर आपने दो बार 370 के अंदर संशोधन जवाहरलाल जी के समय में और बाद में इंदिरा जी के समय में किया। उस वक्त वो रास्ता ठीक था और हम जब समस्या को निर्मूल करने के लिए जा रहे हैं तब रास्ता ठीक नहीं लगता है। रास्ता तो ठीक है, रास्ता आपकी वोट बैंक के आड़े आता है इसलिए आपको ठीक नहीं लगता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहन सुप्रिया सुले ने काफी सारे सवाल उठाए कि अभी फोन नहीं लग रहे हैं, इतनी सारे सुरक्षा बलों को वहां भेज दिया गया है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। मैं उनको याद कराना चाहता हूं 89 से 95 तक ऐसा ये तो कुछ नहीं है। मसूदी साहब यहां पर उपस्थित है, क्या हुआ था घाटी के लोग जानते हैं, जम्मू के लोग जानते हैं। आतंकवाद इतना बड़ा कि सालों तक कर्फ्यू रखना पड़ा था, फोन छोड़िए खाना पीना ब्रेड बटर नहीं मिलता था। और ये तो हम इसलिए रखे हैं कि कोई अगर गुमराह कर वहां की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को ठीक बिगाड़ना चाहता है तो उसको मौका न मिले। बाकी कोई कारण नहीं है, कोई वहां ऐसी परिस्थिति नहीं है। और प्रिकॉशंस लेने से आप सरकार को कैसे रोक ले सकते हो? भाषण के टोन तो ऐसे थे कि आपके दबाव में आपका आकर हम सुरक्षा बलों को हटा ले और वहां पर कुछ घटनाएं हो। कुछ नहीं होगा, ना हम आपके दबाव में आएंगे, ना सुरक्षा बल हटेंगे, ना वहां पर कुछ होगा।